है, पाकिस्तान की नापाक हरकतों का अब माकूल जवाब दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने ऐसी पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि अब तक सेना और बीएसएफ जवान ही पाकिस्तान को जवाब देते आए हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने पानी के जरिए कूटनीतिक हमले की योजना बनाई है और इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। अब देश के सीमावर्ती प्रदेशों से मानसून के दौरान पाकिस्तान जाने वाले पानी को देश में ही रोका जाएगा, जिससे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को सिंचाई का अतिरिक्त पानी मिल सकेगा। साथ ही इसका सीधा असर पाक की कृषि, पेयजल और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ने वाला है। केंद्र जल संसाधन राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि तीन नदियों के पानी को पाक जाने से रोकने की चर्चा हुई है। जब तीन नदियां पाकिस्तान को मिली थी, सिंधु, चिनाब और झेलम, और तीन नदियां भारत को मिली थी, रावी, सतलज और ब्यास। ये रावी, सतलज और ब्यास का पानी जो पाकिस्तान जा रहा है, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ की ओर से गुरुवार को राजधानी जयपुर में वातानुकूलित खादी ग्रामोद्योग भवन का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इसका शुभारंभ करते हुए जनता को समर्पित कर दिया है। इस मौके पर मेघवाल ने कहा कि खादी एक विचार है जो कि अब आम जन के बीच जा रहा है। मेघवाल ने इस दौरान महात्मा गांधी और विवेकानंद के उदाहरण भी दिए, साथ ही कहा कि वो भी खादी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मेघवाल ने स्पष्ट किया कि आज खादी पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग में कुछ विसंगतियां हैं जिन्हें दूर करने की कवायद की जा रही है। उधर कार्यक्रम में उत्कृष्ट स्टूडेंट के साथ खादी कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि खादी वस्त्र नहीं विचार है। इस लोगों से महात्मा गांधी से लेकर के अनेक महापुरुष जीते रहे। वर्तमान समय में खादी